नमस्कार। कंचन टीवी की टीम आज पहुंची है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो सफीदों के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। वहां पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो एक सायंकालीन संडे को हर रविवार को एक सायंकालीन सभा का आयोजन किया जाता है या ये यूं कहा जाए कि एक यहां पर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है स्नेह दीदी जी। दीदी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कंचन टीवी के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कार्यक्रम आप हर संडे को आयोजित करते हैं और इससे क्या संदेश आम लोगों को और पूरे भाईचारे को आप देना चाहते हैं? और शांति। हर संडे ज्ञानांजलि के नाम से फंक्शन होता है और उस फंक्शन में हर बार विषय अलग होता है और वक्ता भी अलग होता है, और साथ साथ जितने भी फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल भी हम ज्ञानांजलि में मनाते हैं। जैसे अभी वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था और श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं वो लिया गया था, और नेशनल डे, इंटरनेशनल डे, वो सब मनाते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य ये होता है कि ये डे क्यों मनाए जाते हैं, ये रिचुअल त्यौहार आदि क्यों मनाए जाते हैं, इनके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जिसको हम प्रैक्टिकल करने के बाद ही उसका सुख ले पाते हैं। और जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और पढ़ ले और होमवर्क ना करे तो वो पास नहीं हो सकता है, या कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और दवाई ले आए और दवाई ना खाए तो उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। इसी प्रकार से केवल हम शास्त्र पढ़ते रहेंगे, गीता पढ़ते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, तो उससे हमारे अंदर से बीमारियां, दुर्गुण, बुराइयां, दुख, अशांति नहीं निकल पाएंगी। लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव को पहचान करके, उनसे बुद्धि योग लगा करके, उनसे शक्ति लेके हम अपने मन को सुख शांति में, जीवन को, परिवार को, सबको सुख शांति में बना सकते हैं। सबके साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है, संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। और आज ज्ञानांजलि में नवरात्रि के उपलक्ष में देवियों का दरबार बनाने का लक्ष्य यही था कि ये देवियां बनी कैसे, कि इन्होंने बाल अवस्था में साधारण रूप में शिव की तपस्या कर करके अपना ये संपूर्ण स्वरूप अपनाया है, कि इनका जन्म से ही ऐसा स्वरूप नहीं था, लेकिन अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, जो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, दुखों का सामना करने की और अच्छी बुरी बातों को सम्माने की शक्ति, इस प्रकार से आठ भुजाएं आठ शक्तियों का प्रतीक है। मैं रोकना चाहूंगा स्नेह दीदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कीर्तन भजन मंडली तो हर गली नुक्कड़ पे होते हैं और हर पंथ में होते हैं, चाहे सनातन धर्म की बात की जाए या किसी भी अलग पंथ की बात की जाए, और वैसे ही आप भी यहाँ पे एक जागरण कर कह सकते हैं, कीर्तन कह सकते हैं, कि गोष्ठी का आयोजन हर रविवार को करते हैं, तो औरों से कैसे, बीके की जो ये गोष्ठी है, ये औरों से कैसे भिन्न है? औरों से भिन्न ये है कि हम यहाँ डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का परिचय पाते हैं कि इस सृष्टि के बीज रूप कौन है। उदाहरण के तौर पे जब हम पढ़ते थे तो हिंदी की किताब में एक दोहा सुना था, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो एक सादे सब सदे मतलब वो एक परमात्मा को अगर मान लिया जाए तो सभी उनसे शक्तियां लेकर के उनका स्वरूप करते हैं। Thank you.